हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2017 के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो साथ साथ में आप रिवाइज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले अगर हम अवार्ड्स की बात करें, द स्टेट हुज स्कीम टू इम्प्रूव द लाइफ एंड द स्टेटस ऑफ गर्ल्स, नेमली कन्याश्री प्रकल्प। तो ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल ने ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की थी, कन्याश्री प्रकल्प। तो ये जो है इससे गर्ल्स का जो स्टेटस है वो काफी इम्प्रूव हुआ। तो इसको अवार्ड दिया गया, अवार्ड अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड तो वेस्ट बंगाल को मिला ये। नेक्स्ट है द एंटी हंगर एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन चूजन टू बी कन्फर्ड क्वींस यंग लीडर अवार्ड। क्वींस यंग लीडर अवार्ड मिला है अंकित कवात्रा को क्वींस यंग लीडर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है द बुक रिटन बाय डेविड ग्रॉसमैन, इसराइल से है ये डेविड ग्रॉसमैन, विच हैज बीन चूजन फॉर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये बुक का नाम था ए हॉर्स वॉक्स इन टू अ बार। तो इसको मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, चूज किया गया है इसको इसके लिए। एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हु हैज बीन कन्फर्ड WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्लोबल तंबाकू कंट्रोल। तो WHO की तरफ से जो ये अवार्ड मिला है स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, तो ये मिला है श्री JP नड्डा को तंबाकू कंट्रोल के लिए। द स्टेट हुज प्रोजेक्ट जल संचय हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो ये बिहार में थी, बिहार स्टेट की जो प्रोजेक्ट है जल संचय हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जो है उसको वॉन किया है किदाम्बी श्रीकांत ने। एंड इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज को भी किदाम्बी श्रीकांत ने ही जीता है बैडमिंटन में। नेक्स्ट जो है ओनली इंडियन स्पोर्ट्समैन who has been listed in the 2017 Forbes list. तो Forbes list में सिर्फ विराट कोहली हैं जो इंडियन प्लेयर हैं एक तरह से। तो इंडियन प्लेयर सिर्फ विराट कोहली हैं जो Forbes की लिस्ट में, और उनका रैंक था 89th के रैंक के साथ। और फर्स्ट रैंक किसका था? फर्स्ट रैंक था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो का जो है वो फर्स्ट रैंक था। द श्रीलंकन क्रिकेटर who has become the first from his country to be inducted into the ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो मुथैया मुरलीधरन जो है वो पहले श्रीलंका के ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिनको ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज वॉन हिज फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। तो सबसे पहला जो अपना है उनका हिज फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल, तो ये साई प्रणीत ने जीता है। तो याद रखना है आपने, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज वॉन हिज फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल, तो ये है साई प्रणीत। उसके बाद अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करें, द सिटी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच हैज बीन अनाउंस्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2019 बाय यूनेस्को, तो ये है शारजहां सिटी है ये। एंड द कंट्री विच हैज अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन विच रन ऑन वर्चुअल ट्रैक मेकिंग यूज ऑफ सेंसर टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ मेटल रेल्स। तो ये चाइना ने यूज किया है, उनकी जो पहली फर्स्ट ट्रेन है जो वो मूव करवा रहे हैं वर्चुअल ट्रैक मेकिंग यूज ऑफ सेंसर टेक्नोलॉजी, जबकि पहले मेटल रेल्स का यूज होता था। तो ये जो है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। द सिटी इन विच द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया हैज बीन रिपोर्टेड। तो सबसे पहले जीका वायरस जो है वो कहां रिपोर्ट किया गया? अहमदाबाद में। द कंट्री विच हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के लिए 2015 में, उसमें से यूएसए जो है यूएसए विदड्रॉ कर रहा है, विदड्रॉ करने का उसने सोच लिया। द स्टेट्स की अगर हम बात करें, इंडियन स्टेट्स की, द टू इंडियन स्टेट्स विच हैव बिकम द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री। तो ओपन डिफेक्शन फ्री में सबसे पहले नंबर पर सिक्किम, सेकेंड पर हिमाचल प्रदेश, थर्ड पर केरल था, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पर कौन आया है? उत्तराखंड एंड हरियाणा। द स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च अ पेंशन फॉर सिंगल वुमेन। तो सिंगल वुमेन के लिए 1000 पर मंथ पेंशन दे रहा है तेलंगाना। एंड द स्टेट इन विच फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर रूरल
एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो ये रूरल एलईडी स्ट्रीट लाइट है, ये स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग फॉर डिजास्टर्स, तो ये ओडिशा में स्टार्ट की गई है। और यहाँ पर जो है एक तरह से सायरेंस जो है वो बजाए जाएंगे, जब भी कोई इमरजेंसी होगी ऑटोमेटिक होंगे, वो खुद ही बजेंगे। तो इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग फॉर डिजास्टर जो है वो ओडिशा में स्टार्ट हो रहा है। पर्संस की अगर हम बात करें, कुछ फेमस पर्संस या फिर जिनकी डेथ हो चुकी हो, तो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ल्यूपिन लिमिटेड, अ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये जो है इनके जो चेयरपर्सन है उनकी डेथ हो गई है। उनका नाम था देश बंधु गुप्ता। द कंटेस्टेंट फ्रॉम हरियाणा हु हैज बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2017, फेमिना मिस इंडिया 2017, तो ये जीता है मानुषी छिल्लर ने, मानुषी झिल्लर। एंड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन जो है ये जो है ये हेड करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी बनाई गई है। द इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हु हैज बीन री नॉमिनेटेड टू द कोर्ट फॉर अनदर टर्म। तो ये जस्टिस दलवीर भंडारी जो है इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में री नॉमिनेट कर दिया गया है अगली टर्म के लिए। एंड उसके बाद है द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है शेर बहादुर देओबा। इससे पहले कौन थे? पुष्प कमल दहल। तो अब कौन है? अब जो है नए बने हैं मई 2017 से, क्योंकि पुष्प कमल जो है इन्होंने मई 2017 में रिजाइन कर दिया था, तो उसके बाद बने शेर बहादुर देओबा। डिफेंस में अगर हम बात करें, सेकंड बायलिटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है, सेकंड बायलिटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका नाम है ऑसिंडेक्स 17, ऑसी इंडेक्स 17। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑ से ऑस्ट्रेलिया एंड आई एन डी इंडिया एंड ई एक्स एक्सरसाइज, ऑसिंडेक्स 17। एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, द हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग एट 4600 किलोमीटर पर हार। तो इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 4600 मीटर पर आर, तो इतनी जो स्पीड है। एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू बी इंटरसेप्टेड। तो ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये टेस्ट फायर की गई है रसिया से, और इसका नाम है जिरकॉन। काफी इंपोर्टेंट है, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो आपने याद रखना है रसिया ने टेस्ट फायर कर लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड होगी 4600 मीटर पर आर, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड होगी, और इसका नाम है जिरकॉन। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हो। तो यहां पर इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ज्यादा भी डिटेल में नहीं आता, लेकिन अगर आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डिटेल में पूछे ही जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आप करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन अचीव करना चाहते हो, तो आप पढ़ सकते हो डिटेल में। उसके बाद हम अगर इंपोर्टेंट डेज की बात करें, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 4 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो ये तो 5 जून को एक तरह से ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड ओशियन डे 8 मई को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे तो ये 15 जून को, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट तो ये 19 जून को, एंड वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो रेफ्यूजी डे जो है ये 20 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। एंड योगा जो है, योगा डे, इसके बारे में याद रख लेंगे, डिजाइन किया इसको यूएन जनरल असेंबली ने, थीम थी इसकी योगा फॉर हेल्थ, एंड फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था ये 2015 में। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है योगा डे के बारे में। इंटरनेशनल विडोज डे 23 जून, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग तो ये 26 जून। एंड उसके बाद जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार है, सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो मिलता है बेस्ट बुक के लिए, और मिलता है ये 35 या उससे बिलो की एज के जो ऑथर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को मिला है, आप रीड कर सकते हो अगर आपने रीड करना हो इसको। और इसका जो अमाउंट कैश प्राइज होता है वो होता है 50,000, साथ में एक मिलता है कॉपर प्लेग। सेम कंडीशन होती है बाल साहित्य पुरस्कार की। बाल साहित्य पुरस्कार में आपको क्या किया जाएगा?
ये मिलता है, एनुअली मिलता है, और मिलेगा अगर चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर कोई बुक लिखी गई है उसके लिए काफी अच्छी बुक होगी जो, यानी कि सेलेक्ट किया जाएगा। तो चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, और पिछले 5 साल में अगर लिखी हो किसी ने तो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। कैश प्राइज इसमें भी 50,000 का है, एंड कॉपर प्लेक जो है इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी इनकी लिस्ट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-17। तो लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT जो 17 है, ये जो है लॉन्च किया गया 29 जून को। लॉन्च हुआ ये फ्रेंच ग्यूना से, एंड लॉन्च व्हीकल था Arini 5 V8238। और अबाउट GSAT-17 जो है, सबसे पहले इसका वेट कितना था, 3477 kg, और ये कैरी कर सकता है, कैरीज कम्युनिकेशन पेलोड्स इन सी बैंड, एक्सटेंड सी बैंड एंड एस बैंड। देखिए ये जो लोड को कम्युनिकेट करेगा, कैरी करेगा, ये करेगा सी बैंड में, एक्सटेंड सी बैंड और एस बैंड में, प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस टू द कंट्री। तो ये थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना है आपने, सिटीज जो है इनके बारे में ये पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें PSLV-C38, तो PSLV-C38 का लॉन्च डेट था 23 जून, और सैटेलाइट लॉन्च हुआ कार्टोसैट 2 अलॉन्ग विथ 30 स्मॉलर सैटेलाइट, क्योंकि ये तो व्हीकल है एक तरह से जो PSLV-C38 है। इसमें जो लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स वो थे कार्टोसैट 2, ये आपने याद रखना है, कार्टोसैट 2 को लॉन्च किया गया PSLV-C38 से, और इसके साथ 30 स्मॉलर सैटेलाइट भी थी, तो 31 टोटल लॉन्च की गई यहाँ से। लॉन्च किया गया ये श्रीहरिकोटा से। रिमार्क्स क्या है इसके बारे में, दिस वॉज द 40th मिशन ऑफ PSLV, वन ऑफ द 30 को-पैसेंजर सैटेलाइट कैरिड बाई PSLV-C38 वाज। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि जो 30 एक्स्ट्रा थी वो कौन कौन सी थी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है कि कार्टोसैट 2 को लॉन्च किया गया PSLV-C38 के साथ। एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट कंट्री थी वो थी इंग्लैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में हुई है। पार्टिसिपेटिंग टीम्स कौन कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। विनर अप था पाकिस्तान, और रनर अप था इंडिया। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज हसन अली पाकिस्तान से। मोस्ट रन बनाए शिखर धवन ने 338, मोस्ट विकेट्स ली हसन अली ने 13। वेन्यू फॉर द फाइनल, तो ये था ओवल लंदन में। होस्ट फॉर 2021 यानी कि 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी इंडिया में। गांधी दर्शन टूरिज्म ट्रेन जो है ये स्टार्ट की गई है 100 ईयर ऑफ साबरमती आश्रम पूरे होने पर, एंड चंपारण सत्याग्रह इसके भी जो 100 ईयर पूरे हुए हैं उसके बाद, ये जो है 100 ईयर्स जो टोटल हैं उसके लिए ये इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि गांधी दर्शन स्पेशल टूरिज्म ट्रेन, या इसको हम बोल सकते हैं आस्था स्पेशल टूरिज्म ट्रेन जो है, ये इसे चलाया जाए। तो इसका कुछ डेस्टिनेशन है जिसमें जिसको कवर करना है इन्होंने, जैसे वारधा, मोतिहारी, बेतिया, गया, वाराणसी, इलाहाबाद एंड सूरत। और बोर्डिंग पॉइंट क्या होगा, साबरमती, आनंद, वडोदरा, बारूच, सूरत, एंड फ्लैग्ड ऑफ होगा ये बांद्रा से। एंड 7 प्रोग्राम जो है नीति आयोग ने स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। 7 प्रोग्राम के बारे में काफी डिटेल में दिया है, तो जैसे ही आपको टाइम लगता है आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, फ्रेंच ओपन 2017, तो विनर अप जो है मैन सिंगल में राफेल नडाल जो है वो विनर अप रहे हैं मैन सिंगल में राफेल नडाल, एंड वुमेन सिंगल में जेलेना ओस्टापेंको। तो बाकी आपने इतने याद नहीं रखने हैं। यहां से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो राफेल नडाल हैं इन्होंने अपना 10th फ्रेंच ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया है, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल है अभी तक का जो किसी ने जीता है इंडिविजुअली। एंड GSLV-MK3, GSLV-MK3 जो है ये लॉन्च डेट थी 5 जून 2017। सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसके साथ GSAT-19, ये तो व्हीकल था GSLV-MK3, इसके साथ सैटेलाइट लॉन्च की गई GSAT-19, एंड लॉन्च हुआ ये श्रीहरिकोटा से। एंड ये जो है ये 3 स्टेट हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो है, एंड इट इज डिजाइन टू कैरी 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट, नियर अबाउट 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट होगा जो ये कैरी कर सकता है। एंड
और अगर इसने लो अर्थ ऑर्बिट में जाना हो तो वहां तक ये 10 टन तक का कैरी कर सकता है। उसके बाद अगर हम कुछ बुक्स की बात करें, बुक्स इन न्यूज, तो बुक्स इन न्यूज में द क्रिसिस विद इन जो बुक है, इसके ऑथर हैं गणेश देवी एंड इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर इसके ऑथर हैं जयराम रमेश। एब्रीवेशंस की अगर हम बात करें, एब्रीवेशन इन न्यूज, तो साथ जो है, साथ की SATH की फुल फॉर्म है, जो अभी आपको ऊपर बताया था कि साथ जो है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड वाजरा VAGRA इसकी फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च। तो ये कुछ हमारे करंट अफेयर थे जून 2017 के। तो ये आपको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।